हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले के विभिन्न थानों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों को लेकर दर्ज मुकदमों पर कार्रवाई की मांग। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के साथ वार्ता, धरना 9वें दिन भी जारी। बाड़मेर में अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच बाड़मेर द्वारा बाड़मेर जिले के विभिन्न थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारों को लेकर दर्ज 15 मुकदमों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में धरने के 9वें दिन जिला कलेक्टर बाड़मेर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर नरपत सिंह जेतावत के साथ एकता मंच के उदाराम मेघवाल, लक्ष्मण वडेरा, राजस्थान मेघवाल परिषद के अध्यक्ष तकाराम खती, भूराराम भील आदि की वार्ता हुई। वार्ता में एकता मंच के सभी पदाधिकारियों ने कहा कि जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि अपराधियों को तुरंत ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने एकता मंच के पदाधिकारियों को धरना समाप्त करने को कहा, लेकिन उदाराम मेघवाल ने बताया कि जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान समदड़ी से आई पीड़ित महिला एवं स्कूली छात्रा ने अपनी पीड़ा बताई कि मुलजिम बेखौफ धमकियां दे रहे हैं, जिस पर थाना अधिकारी को दूरभाष पर मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। इस प्रकार पिछले 2 वर्ष से पुलिस की निष्क्रियता एवं अपराधियों को संरक्षण के कारण जिले में अपराध का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है, जिससे गरीब लोगों का सरकार एवं प्रशासन के प्रति रोष है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।